SBI 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। यहां आपको बताते चले कि देखा जा रहा है जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और भारत जोड़ो यात्रा को आज 12 दिन हो चुके हैं। इस बीच आपको बताते चले कि यहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3700 किलोमीटर की है और ये यात्रा कम से कम 2 हफ्तों से पहले से चल रही है और यहां पर 500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी पूरी कर चुके हैं। उनके साथ यहां पर तमाम दिग्गज नेता भी उनका साथ देते नजर आए थे, जैसे कि भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी यहाँ उनका साथ देती नजर आई थी। इस बीच आपको बता चले कि इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में जो अपडेट आई है, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते नजर आए हैं। ये आपको ऐसा बता रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी तक देखा गया था कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पता नहीं किस वजह से, क्योंकि इसके पीछे का कारण निकल कर सामने नहीं आया है अभी और ना ही कोई ऐसी बात सामने आई है कि आखिर गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देने के बाद भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन क्यों किया है। इस बीच आपको यहां पर बताते चले कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत कुछ कहा और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा कुछ ना कुछ ही कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगी, कुछ इस तरीके की वो बातें कहते नजर आए। हालांकि आपको बताते चले कि यहाँ पर कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का इस्तीफा पत्र पार्टी लखमान के हाथों में थमाया था और उस इस्तीफे पत्र में यहाँ कांग्रेस पार्टी की कमियों को गिनवाया था। इस बीच यहाँ पर देखा गया था कि गुलाम नबी आजाद से कभी किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो पार्टी को लेकर इतने अपने मन में भड़ास भरे हुए है और यहाँ राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को समर्थन करने के पीछे का आखिरकार गुलाम नबी आजाद का क्या कारण है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद की रग रग में कांग्रेस पार्टी बसी हुई है। एक कारण था उनका इस्तीफा देने का, क्योंकि उन्होंने इस बात को खुद माना था कि उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया है, उनका कभी मन नहीं था कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का। तो देखिये ये भी एक कारण हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर उनको अच्छा महसूस हो रहा है कि पार्टी कुछ मेहनत कर रही है। हालांकि यहाँ पर काफी वक्त से वो कांग्रेस पार्टी से नाराज भी थे जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा SBI 9 News। धन्यवाद।